Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel with another portrait tutorial. So portrait बहुत easily आप draw कर सकते हैं इस graph की help से। इसमें बहुत ही detail में मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी measurement कैसे करेंगे और इस पर detail video मैं upload भी कर चुकी हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो जल्दी से आके वो वाली video आप watch कर लें ताकि हम आगे का काम start कर सकें। हम चारकोल पोर्ट्रेट बनाएंगे तो उसके लिए हमें चारकोल पेंसिल की ज़रूरत होगी। चारकोल पेंसिल आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, आप उसे अच्छे से शार्प कर लीजिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी एक चारकोल स्टिक की, और चारकोल स्टिक के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये बहुत स्मूथ इफेक्ट देती है आपके प्रोजेक्ट पर और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है विदाउट एनी स्टॉक। इसके बाद हम यूज करेंगे ये ऑर्गेनिक चारकोल। दीज आर क्वाइट हार्डनिंग चारकोल स्टिक। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं सॉफ्ट पेस्टल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और आप उनसे कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी मैं इसकी फिनिशिंग के लिए। ओके, सारी चीज़ों को कर देते हैं साइड पर और चारकोल स्टिक ले लेते हैं। चारकोल स्टिक की हेल्प से मैं इसका फोरहेड कवर करने लगी हूँ। मिस यूनिवर्स सीरीज़ का ये सेकेंड प्रोजेक्ट है जिसे मैं आपको चारकोल मीडियम से कम्प्लीट करके दिखाऊँगी। टुडेज मॉडल इज अफगानी डर्गो मिस नाइजीरिया। शी वॉज द फर्स्ट इंडिजिनस अफ्रीकन हू वॉन मिस यूनिवर्स इन 2001। मिस नाइजीरिया ने प्रूव किया कि खूबसूरती गोरे रंग की मोहताज नहीं होती। चारकोल स्टिक से हमने अच्छे से अपने फॉरहेड को, अपनी मॉडल के फॉरहेड को ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा डार्कर इफेक्ट देने के लिए मैं ये ऑर्गेनिक चारकोल यूज़ कर रही हूँ और इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से लाइट सा मिक्स कर रही हूँ आपस में। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाने लगे या किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ऑब्जर्वेशन। आपको फोकस करना है कि आपने क्या बनाना है और आप कैसे बना रहे हैं, आपका कौन सा एरिया ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और कौन सा एरिया ज़्यादा डार्क लुक की तरफ जा रहा है। और फर्स्ट स्टेप ही आपका ये होता है कि आपको अपने कलर्स को, अपनी पेंसिल्स को अच्छे से ब्लेंड करना है। पोर्ट्रेट स्टार्ट करने के लिए मैंने इसको फोरहेड से स्टार्ट किया है और मैं इसको नीचे तक लेके जाऊंगी। आपने कभी भी अपना पोर्ट्रेट नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करना है ताकि आपका पोर्ट्रेट मैसी ना हो। आईब्रोज की तरफ जा रहे हैं, आईब्रोज को भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और उस पर अब मैं वर्किंग स्टार्ट करूंगी अपनी चारकोल पेंसिल से। बहुत ही लाइट और स्मूथ हाथ चला रही हूँ मैं। अपने प्रेशर पॉइंट्स पे आपने फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ताकि आपका प्रोजेक्ट मैसी ना हो। स्पेशली जब आप चारकोल का काम कर रहे हैं, चारकोल बहुत ज़्यादा डस्ट आउट होता है, गन बनाता है, मैसी हो जाता है, तो आपने बहुत ही केयरफुली चारकोल का काम स्टार्ट करना है। आई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट चारकोल पेंसिल और मैं इसको बहुत ही स्मूथली चला रही हूँ और उसको साथ ही साथ पेपर ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। एक ही स्टेप में आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट अपना कवर नहीं कर सकते, आपको उसको 2 से 3 से 4 स्टेप्स में लेकर जाना ही होता है, तब जाके आपका कोई भी प्रोजेक्ट रियलिस्टिक लुक में कन्वर्ट होता है। पेपर स्टैम्प की हेल्प से आप उसे साथ साथ ब्लेंड करते रहें और साथ साथ आप वर्किंग करते रहें। अगर आप इनकी आइज देख रहे हैं तो इनकी आइज काफ़ी टिमटिमा रही हैं। जब कंप्लीट हो जाएंगी आइज, तब आप देखेंगे कि इनकी आइज में जो चमक, जो सक्सेस है इनकी आइज में दिख रही, हमने वही ऐड करनी है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में। अगर आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट देखा है जो कि प्रियंका का था और जो कि मिस यूनिवर्स 2000 की,
तो उनकी आईज में भी जो शाइन थी, जो चमक थी, वो हमने उसमें ऐड की और वही हमें इस प्रोजेक्ट में दिखानी थी। अब आप देख रहे हैं कि मुझे जहाँ जहाँ आई में डेप्थ दिखानी है वहाँ वहाँ मैं मीडियम से डार्क की तरफ डाल रही हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे डेप्थ नहीं दिखानी है, एरिया को हाईलाइट छूना है, वहाँ पे मैंने पेंसिल का यूज़ ही नहीं किया, बस मैंने उसको आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई भी एरिया आपका अलग थलग ना लगे। पेपर ब्लेंडर यूज़ करेंगे, साथ साथ रेजर यूज़ करेंगे और साथ ही साथ पेंसिल भी यूज़ करते रहेंगे। डस्ट ऑफ कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसको साथ साथ हम डस्ट आउट कर देंगे ताकि आपका प्रोजेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट या आपका पोर्ट्रेट मैसी ना हो। लाइट से डार्क की तरफ जाएंगे आप, कभी भी हम डार्क से लाइट की तरफ आसानी से नहीं आ सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने बहुत ही लाइट वेट से स्टार्ट करना है अपना प्रोजेक्ट, और स्टेप बाय स्टेप आपको लाइट से डार्क की तरफ जाना है। अगर आप इन स्टेप्स को और इन टिप्स को फॉलो करते रहेंगे तो आप बहुत जल्द बहुत परफेक्ट हो जाएंगे अपनी ड्राइंग में, आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बस आपने फॉलो करते रहना है। सेम प्रोसेस से हमने लेफ्ट आई कवर कर ली है, अब चारकोल पेंसिल की हेल्प से हम आई लैशेज कवर कर रहे हैं। लैशेस को कैसे कवर करते हैं और इसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए पर अभी तक मैंने कोई डिटेल वीडियो अपलोड नहीं की, बट अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं सो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। नोज को हमें बस ब्लेंड करते जाना है पेंसिल ब्लेंडर की हेल्प से, हमने कोई भी परमानेंट लाइन शो नहीं करनी है। मैं चारकोल स्टिक का यूज़ कर रही हूँ और साथ साथ मैं पेंसिल ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ नोज़ क्रिएट करने के लिए, ट्रीडी लुक देने के लिए, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलना है, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको पोर्ट्रेट बनाना होता है। इसमें आपको बस सिर्फ और सिर्फ पेशेंस दिखाना होता है, कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे होगा ये कि पोर्ट्रेट अब आपका बन तो जाएगा लेकिन आपको जो उसके अंदर फीलिंग्स ऐड करनी है, जो एक्सप्रेशन ऐड करने हैं, वो आप नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही आराम और तहम्मुल से पोर्ट्रेट पे काम करना है। अगर आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप बहुत अच्छा और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कैसे बनाया जाता है वो सीख जाएंगे। आपको कहाँ पर डार्क एरिया दिखाई दे रहा है आपने वहाँ पर डार्क ही एरिया क्रिएट करना है। जिस तरह के आपके रेफरेंस पिक्चर है आपने उसको फॉलो करना है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अच्छा आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे उतनी अच्छी और उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आपको आपके काम में दिखाई देने लगेगी। अगर आप यंगर लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आपने अपने ऑब्जेक्ट में स्मूथनेस शो करनी है, उसमें आपकी लाइंस परमानेंट नहीं नज़र आनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइंस आपके परमानेंट हो जाती हैं तो वो ओल्ड एज लुक की तरफ चला जाता है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। अब काने ठैगो ने जब मिस यूनिवर्स का टाइटल वोन किया था शी वॉज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड, सो डेफिनेटली हम टीन एज लुक क्रिएट कर रहे हैं विद चारकोल मीडियम। अगर हम आज की बात करें तो अब इनकी एज 37 है, हैप्पीली मैरिड है, हैविंग अ क्यूट बेबी बॉय। चारकोल स्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देती है जो कि हमें नीड है अपने इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये एक टीन एज लुक है। तो चारकोल पेंसिल के साथ साथ चारकोल स्टिक भी इजीली आप किसी भी फाइन आर्ट स्टेशनरी से आराम से परचेज कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास चारकोल स्टिक नहीं है तो आप ऑर्गेनिक चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। मैंने चारकोल पेंसिल के यूज़ से पहले चारकोल स्टिक का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि वो लाइटर वेट है, आराम से ब्लेंड हो जाती है, और चारकोल पेंसिल से हमें थोड़ा सा शार्प लुक क्रिएट करना है,
तो इसको हम हमेशा एंड में ही यूज़ करेंगे, और पहले हम चारकोल स्टिक से जो भी हमारा हमारी बेस लाइन है और जो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप है उन्हें कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे और इन दोनों चीज़ों को साथ साथ यूज़ करेंगे ताकि हम इजीली रियलिस्टिक एंड 3D लुक क्रिएट कर सकें। नो मैटर आपने फिंगर से ब्लेंड करना है आप फिंगर से ब्लेंड करें, आपने पेपर स्टैम्प से ब्लेंड करना है आप पेपर स्टैम्प से ब्लेंड करें। आप ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं और एयरबर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी नहीं होती जिसका आपने यूज़ करना होता है, बस आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और आराम से अपना काम कर सकते हैं। चारकोल एक ऐसा मीडियम है जो अपने आप में ही एक खासियत रखता है जिसको अट्रैक्शन कहते हैं, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चारकोल से बनाए प्रोजेक्ट में एक अलग ही खूबसूरती होती है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। यहाँ आप पेपर स्टैम्प का यूज़ बहुत ही प्यार से और बहुत ही नाइसली करेंगे और साथ ही साथ आप बहुत ही प्यार से चारकोल स्टिक का यूज़ करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि अब गाना ट्रैगो काफ़ी ब्लश करने लगी है और इस पोर्ट्रेट में इनकी ब्लशिंग के पीछे वो सक्सेस है जो इन्होंने हासिल की थी इन 2001 और इस लाइन को रिकॉल किया था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ करने की ठान लें कि नहीं ये मुझे करना ही करना है तो यकीनन आप वो कर जाएंगे। आप में हर काम करने की एबिलिटी होती है, बस आपको अपने माइंड में ये मैसेज जनरेट करना होता है यस आई कैन डू इट, और आप वो काम कर जाते हैं। जैसे अब गाना डायगो ने करके दिखाया और सबको बताया, इंस्पायर किया कि ब्लैक कलर इज़ नॉट अ बिग डील। जब भी आप खिलखिलाकर हंसते हैं तो फेस आपका ब्लश करने लग जाता है और मैंने वही एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐड कर दिया है। लिप्स पर मैंने चारकोल स्टिक का यूज़ किया है एज बेस कलर और फिर जहाँ भी मुझे डार्क और लाइट कलर से काम करना है वहाँ के लिए मैंने यूज़ किया है चारकोल पेंसिल। ऑर्गेनिक चारकोल का यूज़ कर रही हूँ मैं माउथ में डेप्थ दिखाने के लिए। फिर हम टीथ में थोड़ा से शेड्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पेपर स्टैम्प और पेपर स्टैम्प के बाद मैं पेंसिल का यूज़ करूँगी और पेंसिल के बाद मैं फिर से पेपर स्टैम्प का यूज़ करूँगी। मेरी फिंगर्स का प्रेशर बहुत लाइट है, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से वर्किंग कर रही हूँ। अगर आप नोटिस करें तो मैं सिर्फ पेंसिल या सिर्फ पेपर स्टैम्प या फिर सिर्फ चारकोल स्टिक का यूज़ नहीं कर रही, मैं सबका मिक्सचर बनाकर एक साथ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस मॉडल को ऑब्जर्व कर लिया है, इसमें कहाँ पे मुझे लाइट शो करनी है और कहाँ पे मुझे डार्कर एरिया शो करना है, कहाँ मुझे डेप्थ दिखानी है और किस एरिया को मुझे हाईलाइट रखना है, ये सब हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। चलिए जी, एक और टिप मिल गई आपको, जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ये आपको हेल्प करेगी आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ओपन लिप्स आपको बहुत ट्रिकी लग रहे होंगे अगर अभी तक आपने लिप्स के डिफरेंट शेप्स पर काम नहीं किया, लिप्स के डिफरेंट शेप्स आपने ड्रॉ नहीं किए, और अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि लिप्स को एग्जैक्टली ड्रॉ करते कैसे हैं तो इसके लिए भी क्राफ्ट बनाया जाता है। क्राफ्ट की हेल्प से आप लिप्स को ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लिप्स की डिफरेंट शेप्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ और अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जल्दी से जाके वो देख लीजिए ताकि आप ओपन लिप्स पर भी काम कर सकें। मैंने फेस के हर फीचर की अलग अलग से वीडियोज़ अपलोड इसलिए की हैं ताकि आप लोग डिटेल में हर चीज़ सीख सकें और अच्छे से कोई भी पोर्ट्रेट बना सकें, क्योंकि मैं एक ही पोर्ट्रेट को एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता।
इसलिए मैंने हर फीचर की डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है आप लोगों की आसानी के लिए। कुछ लोगों को एयर ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड ऑब्वियसली ये है, तो इसके लिए बहुत ही इजी आसान ट्रिक ये है कि आप डिफरेंट ग्राफ्स को फॉलो करें और डिफरेंट शेप्स बनाएं और डिफरेंट शेप्स पे वर्किंग करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी होगी और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको समझ आएगी कि आपने ब्लेंड कहाँ करना है, आपने कहाँ नहीं करना, आपने कहाँ पे डार्कर लुक क्रिएट करना है और कहाँ पर आपने हाईलाइट क्रिएट करनी है। इस पर भी मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने क्राफ्ट की हेल्प से आपको कान कैसे बनाया जाता है सब कुछ सिखाया है और मैंने कलर एयर भी आपको बनाना सिखा दिया। तो बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कब देखना है और आपने उसकी कब प्रैक्टिस करनी है। मेरा काम यही तक था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ और वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दूँ। आगे से सारा काम आपका है कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह से मेरी वीडियो देख कर प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में अगर आपको मुश्किल पेश आ रही होती है तो उसका सबसे ईजीएस्ट तरीका यही होता है कि आप उसका ग्राफ फॉलो करें, आप ग्राफ की हेल्प से उसको बनाना स्टार्ट करें। जब आप उसको ग्राफ की हेल्प से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप उसको यूज्ड टू हो जाएंगे और बनाने लग जाएंगे तो फिर आपको ग्राफ की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं। जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी तो मैं भी ग्राफ्स फॉलो करती थी और ग्राफ की ही हेल्प से मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई कि मुझे फ्री हैंड ड्रा करने का भी आइडिया हो गया। तो चारकोल पोर्ट्रेट की ऑलमोस्ट हमारी लेफ्ट साइड हो गई है कंप्लीट। सेम प्रोसेस से मैं राइट साइड को भी कंप्लीट कर लूँगी ऑफ कैमरा। तो अब चलते हैं नेक की तरफ। तो नेक क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक चारकोल, इससे मैं बेस क्रिएट कर दूँगी। बेस क्रिएट करने के बाद मैं टिश्यू की हेल्प से इसको अब आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो हमारा फर्स्ट कोट हो गया है कंप्लीट। अब जो हमारी मॉडल की नेक पर शेडो पड़ रहा है हम लोग जल्दी से शेडो को कवर कर लेंगे विद आवर चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल को भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, हम कोई भी लाइन परमानेंट नहीं छोड़ेंगे। कहाँ पे शेडो पड़ रहा है और कहाँ पर हाईलाइट शो करना है हमें, हम इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ही हम अपने ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। साथ साथ मैं पेपर स्टैम्प यूज़ कर रही हूँ इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए और साथ साथ मैं रेज़र यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट करने के लिए कुछ एरिया जो रिक्वायर्ड है। अब गाना टैगू ने हेयर बन बनाया हुआ है और अपने बाल अच्छे से आपस में बैंड किए हुए हैं। फॉरहेड पे बस जल्दी से मैं फाइनल टचेस दे रही हूँ ताकि जल्दी से मैं आपको फाइनल लुक क्रिएट करके दिखा दूँ। मैंने यहाँ पेंसिल का यूज़ भी किया है, चारकोल स्टिक भी यूज़ की है और मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक चारकोल भी यूज़ किया है। चारकोल स्टिक बहुत जल्दी डस्ट आउट हो जाती है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। आप बस साथ साथ इसकी एप्लीकेशन देते रहें जब तक आपका पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं हो जाता। जल्दी से फ्री हैंड क्राउन बना लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है बहुत कम। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली चारकोल पोर्ट्रेट बना सकते हैं। आईज में जो हाइलाइटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ लेकर स्प्रे इस चारकोल पोर्ट्रेट को सेव करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो गिव अ ह्यूज थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट पोर्ट्रेट है हमारा कलर्ड पोर्ट्रेट, सो सी यू इन दैट ट्यूटोरियल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्टिस्टा। Stay tuned. Allah is the one.